अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का ये दिन बहुत खास है क्योंकि आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे इंडिया में हर साल की तरह इस साल भी आज झंडा फहराया जाएगा और ये साल बहुत खास होने वाला है क्योंकि सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाया गया है, हर घर तिरंगा। तो देखिए, मैंने भी तिरंगा ले लिया है और आपने भी तिरंगा ले ही लिया होगा। तो एक ख़ास बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम सभी झंडा तो फहराते हैं और सभी खुशियाँ मनाते हैं, आज आज़ादी का दिन है। तो एक ख़ास बात है कि आप जैसे कि झंडा आप खरीदाते हैं अपने बच्चों को या किसी को भी, तो उनसे एक बात ज़रूर कहिएगा कि इस झंडे को नाली में या कचरे में या कहीं भी फेंके नहीं। इस झंडे की बहुत इज्जत है, आप इस झंडे की इज्जत कीजिए, ठीक है। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितने भी झंडा खरीदाएँ अपने घर पर, आप भी झंडा फहराएँ, लेकिन शाम होते होते देखते हैं कितने लोग जो हैं झंडे को फेंक देते हैं और कचरे में डाल देते हैं। आप उनको बताइए कि झंडे का शान क्या है, इसकी पहचान बताइए उन लोगों को जिनको पता नहीं है, क्योंकि जान से भी प्यारा ये झंडा हमारा है, समझे। बॉर्डर पे लोग इसके लिए कितने शहीद हो गए और कितने ने खून बहाए हैं अपने, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और जो लोग नहीं जानते उन्हें बताएं कि झंडा का कितना कीमत है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मतलब सभी के पास पहुँचाएँ। ये वीडियो मतलब कोई एक ख़ास मैसेज है आप सभी लोगों के लिए कि झंडा को प्लीज़ फेंके मत और कचरे में ना डालें। अगर आपका काम ख़त्म हो गया तो इस झंडे को आप अपने घर पर रख दें, फिर अगले साल निकालें। इसको फेंकने के लिए मतलब इसका इज्जत करें, आप इसको चूम कर रख दें अपने घर पर, ठीक है। तो इस बात को आप सभी तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों साथियों तक। तो मैं इतना ही कहना चाहता था कि इस झंडे को आप फेंके मत, क्योंकि इस झंडे की शान अलग है, यह हमारी पहचान है। जय हिंद, जय भारत।